और आपको बताएं कि मनसुख हिरन का शव बरामद होने के 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया है। आपको बताते चलें कि एनआईए द्वारा इस मामले की जांच को अपने हाथ में लेने के बाद ये दावा किया गया है। एटीएस के मुताबिक मनसुख हिरन सचिन वाजे के एसयूवी में जिलेटिन स्टिक्स रखने वाले प्लान से पूरी तरह से वाकिफ था। सूत्रों की माने तो सचिन वाजे ने मनसुख हिरन से कार में विस्फोटक पदार्थ रखने की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा था और उसे 2 से 3 दिनों के भीतर जेल से निकालने की बात भी कही थी। हालांकि मनसुख हिरन ने सचिन वाजे की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया था। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने कथित तौर पर मनसुख हिरन के खिलाफ साजिश रची और उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर एटीएस ने एक बुकी और पूर्व पुलिस कर्मी को गिरफ्तार भी किया है जिन्होंने कथित तौर पर इस हत्या में वाजे का साथ दिया था। और हमारे सहयोगी सांतिया गोरा इस पर और ज्यादा अपडेट देंगे, हमारे साथ जुड़े जी सांतिया, और क्या जानकारी है खासतौर पर जो एटीएस इतनी ज्यादा सक्रिय हो गई है, अगर कहें कि लगातार दावा कर रही है सचिन वाजे के खिलाफ, अब सबूत होने की पहले उसने बात की और किस तरीके से अब मास्टरमाइंड सचिन वाजे को बता रही है। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए एटीएस ने अब दावा किया है कि उन्होंने मनसुख हिरन हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। देखिए 15 दिन, लगभग 15 दिन का वक्त लग गया महाराष्ट्र एटीएस को इस नतीजे पर पहुंचने के लिए। अब सबसे जरूरी चीज कि किसने करवाया है ये हत्या किसने करवाई है, उसके जवाब में एटीएस का कहना है कि सचिन वाजे जो कि फिलहाल गिरफ्तारी में है, एनआईए कस्टडी में है, और जिन्होंने एंटीलिया के बाहर जिलेटिन स्टिक्स थे, जिलेटिन की छड़ियों से भरी हुई स्कॉर्पियो पार्क की थी, उन्होंने ही मनसुख हिरन की हत्या की साजिश रची और इस हत्या को अंजाम दिलवाया। क्यों, उसकी वजह भी अब एटीएस ने साफ की है, मकसद हत्या की, मकसद के बारे में भी अब एटीएस बात कर रहा है और ये कहना है कि मनसुख हिरन जो कि जानते थे कि क्या होने वाला है स्कॉर्पियो के साथ, मनसुख हिरन ने खुद 17 तारीख को सचिन वाजे को स्कॉर्पियो की चाबी पकड़ाई थी। और लेकिन जैसे जैसे ये मामला बढ़ता गया, इस मामले का राजनीतिकरण होता गया और ज्यादा से ज्यादा तूल पकड़ता गया, ये मामला मुंबई पुलिस से निकल के ना सिर्फ महाराष्ट्र में एटीएस बल्कि एनआईए तक जा सकता है, मनसुख हिरन घबरा गए, ये बात सचिन वाजे ने भाप ली, उन्होंने ये तक कहा कि तुम इस मामले की जिम्मेदारी ले लो, मैं 2-3 दिन में बाहर निकल पाऊंगा जेल से। मनसुख हिरन ने ना सिर्फ उस बात से इनकार किया बल्कि सचिन वाजे ये भी समझ गया कि मनसुख हिरन किसी भी वक्त जांच एजेंसियों को सचिन वाजे का राज बता सकते हैं, इसी के चलते उनकी हत्या को अंजाम दिया गया। जी जी सांति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।